अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करूँगा आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सरफराज बासी और चैनल आपका अपना लाइट वन यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आप लोग टाइम निकाल के वीडियो देखते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे COVID-19 की, कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस इस टाइम पीक पे जा रहा है, काफ़ी लोगों के जो पॉजिटिव केसेस वगैरह आ रहे हैं और लाखों की तादाद में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी आपको कह रही है कि आप लोग एहतियात करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र आप यूज़ करें। जैसा कि आप हमारी नेबर कंट्री भारत इंडिया में आप केसेस देख लें, पर डे के वहाँ पे तकरीबन 3 लाख से अब आप केसेस आ रहे हैं और 2 लाख से ऊपर वहाँ पे डेथ हो चुकी है। और इस टाइम उनके हॉस्पिटलों में जगह नहीं है और डॉक्टर भी इस टाइम वहाँ पे परेशान होके बैठे हुए, और उनके जो कब्रस्तान है, जो शमशान घाट बने हुए हैं, वहाँ पे घंटों मैयत को, डेथ बॉडी को इंतज़ार करना पड़ता है। इतने वहाँ पे केसेस और इतने डेथ के रेशियो बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला वहाँ पे भी जितने भी इंडिया में लोग कोविड के शिकार हैं उन्हें सेहत अता फरमाए, और पूरी दुनिया में लोगों को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ एहतियात करें। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, ये बीमारी है ही नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग समझे इस बात को, COVID-19 एक डेंजरस बीमारी है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो आप इंडिया की ये हालत आप देख लें, वहाँ पे मरीज़ों का क्या हाल हो रहा है, और वेंटिलेटर के वहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं, ऑक्सीजन की वहाँ पे बहुत कमी हो चुकी है। अभी बरतानिया ने वहाँ पे कोई 100 से अब आप जो वेंटिलेटर वगैरह उन्हें वो दे रहे हैं इंडिया में। और ये है कि दोस्तों पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस टाइम भी अल्लाह ताला ने काफ़ी महफूज रखा हुआ है, और पाकिस्तान में भी केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर आप लोग एहतियात करें और तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कम से कम आप बाहर जाते हैं मास्क लाजमी है, पहले मास्क यूज़ करें आप, और गवर्नमेंट जैसे आपको कह रही है कि SOPs का ख्याल करें, तो आप गवर्नमेंट के साथ तआवुन करें पूरा। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग, काम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम आप नहीं करोगे तो आप खाओगे कहाँ से, घर कहाँ से चलाओगे। लेकिन आप बाहर जाते हो, आप मास्क तो पहन सकते हो। और दोस्तों बदकिस्मती हमारी एशियन कंट्री की ये है, चंद एशियन कंट्री जैसे हमारी कंट्री होगी, नेबर कंट्री हमारी देख ले इंडिया में, जैसे अभी ये कोविड का जो वहाँ पे सेकंड वेव आई है, वहाँ पे वेंटिलेटर के रेट जो है, जो 5-6 हज़ार रुपये का था, वो जाके तो 30-40 हज़ार रुपये उसके प्राइस हो गया। तो सेम ही हमारी कंट्री में भी ऐसे ही होता है, कोई भी ऐसा बुरान आता है जो मुनाफा खोर होते हैं, सेल्फिश में कह सकते हो आप, ये लोग किसी का एहसास नहीं करते, और ये लोग ऐसे फ़ायदा उठाते हैं, ज़खीरा अंदोजी कर लेते हैं और चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, तो हम सबको महफूज रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।